जय हिंद दोस्तों वंदे मातरम चाइना के बारे में जितनी चीज़ें हमें बताई जाती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरी दुनिया से छुपाई जाती हैं और ये चाइना में जो तनाशाई चल रही है उसका सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हालांकि कहा जाता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के कारण ही चाइना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाया है लेकिन चाइना भले ही एक इंडस्ट्री के रूप में बहुत आगे बढ़ गया हो लेकिन मानवीय रूप से अगर हम देखें कि क्या वहाँ पर मानव जो है जो इंसान है क्या वो खुश रह रहे हैं अगर इस बारे में हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक घुटन सी निकल कर सामने आती है कई सारे ऐसे मामले मतलब सिर्फ मैं उइगर मुसलमानों की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं बल्कि जो वहां के नॉर्मल सिटीजन्स भी हैं आप उनकी ही बात कर लीजिए एक समय था जब वन चाइल्ड पॉलिसी का एक वहां पर दिया गया था कि भैया आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं उस समय काफी विरोध हुआ था लेकिन आज की डेट में जब वही वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के लिए एक दंश बनती जा रही है तब सरकार लुभावने ऑफर लेकर आ रही है कि आप दो सौ तीन बच्चे पैदा कीजिए क्यों क्योंकि चाइना की जो जनसंख्या है वो लगातार घटती जा रही है और बूढ़ों की जनसंख्या चाइना में बढ़ती जा रही है जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट आ रहा है मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से कितने ही प्रकार के चेंजेस कर लेना ये चाइना की बहुत पुरानी आदत रही है अब ऐसे में चाइना ने हांगकॉन्ग के साथ जो किया है उसके बाद से चाइना के अंदर लगातार एक विरोधाभास बढ़ता जा रहा है इवन जो गलवान घाटी का जो किस्सा हुआ था उस समय भी यही चीज कही गई थी कि सिर्फ और सिर्फ अपने देश के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने के लिए क्योंकि उनके देश के अंदर विद्रोह की चिंगारी अभी भी सुलग ही रही है मतलब चाइना में भी तानाशाही के खिलाफ शी जिनपिंग की तानाशाही के खिलाफ लोग बोलना शुरू कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको यह बताया गया कि देखो गलवान घाटी में भारत हमारे खिलाफ खड़ा है ऐसा करने से हुआ यह कि चाइना की जो पूरी जनता थी वो उनकी सरकार के पीछे चली गई बोली कि नहीं देखिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं इस तरह की खबरें भी निकल कर सामने आई थी लेकिन बात वही होती है कि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा समय लंबे समय तक टिक नहीं पाती और कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ ही जाती है कि आप ही कहीं ना कहीं गलत हो ऐसे में अब चाइना में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाना है जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है अब चाइना को डर इस बात का है कि कहीं कोई खिलाड़ी विंटर ओलंपिक्स के मंच का उपयोग करके उनके देश के बारे में उलझुल बातें ना कर दें वही उलझुल बातें जो कि कहीं ना कहीं अपने अंदर सच्चाई बटोरे हुए हैं लेकिन चाइना उन बातों को बाहर आने देना नहीं चाहता है चीन में चार फरवरी से होने वाले विंटर ओलंपिक्स के पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई की जा रही है हजारों सोशल एक्टिविस्ट को घरों में कैद कर दिया गया है लाखों सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है इतना ही नहीं कुछ जगह तो महिलाओं से मारपीट भी की गई है ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि 4 से 20 फरवरी तक चलने वाले विंटर ओलंपिक्स के दौरान शी जिनपिंग की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाई जा सके न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्पेशल रिपोर्ट में चीनी सरकार के टॉर्चर का खुलासा हुआ है शुक्रवार से यहाँ पर एथलीट्स और जर्नलिस्ट का आना शुरू हुआ ये लोग सुरक्षा का इंतजाम देखकर हैरान थे आमतौर पर किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए इस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते कुछ लोगों को तो गिरफ्तार करके सीधा जेल भेजा गया है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि चीन सरकार के खिलाफ अगर किसी खिलाड़ी ने भी आवाज़ उठाई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी हुजिया मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है जनवरी की शुरुआत में उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि चीन सरकार कैसे विरोधियों की आवाज़ को दबा रही है फिलहाल उन्हें घर में कैद किया गया है पुलिस रोज़ घर आती है हु ने कहा है कि पुलिस ने कहा है कि अगर मैंने जुबान खोली तो मैं माँ से भी नहीं मिल सकूंगी इसके अलावा कई युवा ऐसे हैं जो सरकार के दमन के विरोध में सोशल मीडिया पर ही आवाज़ उठा रहे हैं इन लोगों के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है कुछ लोगों को घरों से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि बीस फरवरी के बाद भी ये रिहा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे चीन को आखिर में ये आशंका है कि इस इवेंट में कोई ओलंपिक खिलाड़ी तानाशाही के विरोध में आवाज़ उठा सकता है लिहाजा हर एक हरकत पर पैनी नज़र रखी जा रही है यह आशंका भी फिजूल नहीं है दरअसल हांगकांग में चीन ने जिस तरीके से आम जनता और मशहूर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करी है उससे सभी नाराज़ हैं तिब्बत और ईगर मुसलमानों के हक की आवाज़ यहाँ भी उठ सकती है चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई यौन के यौन शोषण का मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों के दौरान चीन सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वकील टैंग बिया ने बताया मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई एथलीट चीन सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएगा खेलों के एक अधिकारी यांग शुई की धमकी भी जान लीजिए उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खेलों को खेल ही रहने दिया जाए अगर किसी ने चीनी कानून या नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसे सज़ा मिलना तय है चीन ने कोरोना के नाम पर बायो बबल का अरेंजमेंट किया है तीन लेयर बनाई गई हैं बिल्कुल साफ़ है कि कोई एथलीट किसी आम आदमी या फिर फैन से नहीं मिल सकेगा हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पहले से ही ऐप एक्टिव है ह्यूमन राइट -right एक्टिविस्ट याक्यू वेंग ने कहा है कि ये सब देखकर समझ लीजिए कि चीन सरकार की गवर्नेंस का मॉडल आखिर कैसा है जिनपिंग अपने अलावा किसी भी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते स्पॉन्सर से भी साफ़ कह दिया है कि अगर कोई कर्मचारी सरकार के खिलाफ उनकी खिलाफत करता है तो ऐसा वो करने से बचे नहीं तो उनका भी अंजाम बुरा होगा रिपोर्ट के मुताबिक खेलगांव में प्लेयर्स को अलग से फ़ोन दिए जा रहे हैं यहाँ वे अपने पर्सनल फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते तिब्बत राइट्स की मैंडी मैकेन कहती हैं कि देख लीजिए आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी एथलीट्स की आवाज़ दबाने में चीन का साथ दे रही है वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग को लगता है कि वो इतने ताकतवर हैं कि उन्हें किसी के बारे में सोचने की तक ज़रूरत नहीं है दो के ओलंपिक खेलों की तुलना में चीन अब ज़्यादा ताकतवर है इसलिए उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है और उन्हें एथलीट्स की ज़ुबान पर भी ताला लगा दिया और इसी तरह की बातें जो है वो मार्केट में और ज़्यादा चल रही हैं कि भाई चीन आने वाले समय में इन चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है क्योंकि अगर इन ओलंपिक्स के समय में किसी बात का खुलासा होता है तो चीन की क्रिकेटी काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि वैसे भी वुहान से जो चीज़ निकली थी जिसने कि पूरे देश पूरी दुनिया को देश कह रहा हूँ तो पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है उसकी भी चीन ने कोई जवाबदारी नहीं ली है इवन जब यू की टीम वहाँ पर जाँच करने पहुंची तो उनका सहयोग भी नहीं किया गया तो इन सब बातों से क्यूमलेटिव एफर्ट आप निकाल सकते हैं कि भाई चाइना आखिर दुनिया के प्रति किस प्रकार का रवैया रखता है और वो अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देने के लिए तैयार है मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही जय हिंद जय भारत